राम राम भाई, कैसे हो सब? एसएससी ने अभी दो नोटिस डाले हैं बैक टू बैक, एक नॉर्मल सा है और एक बुरी खबर है। ठीक है, बुरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। भाई, जो वैकेंसीज आप लोगों की सीजीएल 2022 की, वो लगभग 1400 के आसपास, 1400 के आसपास डिक्रीज हो गई हैं, घट गई हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करें तो आपकी 11 वैकेंसीज, करीब 12 वैकेंसीज जो घट गई हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर जो एसओ की पोस्ट होती थी, और करीब 36 वैकेंसी आपकी बढ़ी भी है आईबी के अंदर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी के अंदर बढ़ी हैं। और भी एक दो जगह कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन जो मेजर चेंजेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं, वो मिले हैं इसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अंदर अभी आपकी 1376 वैकेंसीज हो गई हैं, 1376, जो कि पहले 2752 थी, यानी लगभग 1300, 1350 वैकेंसीज आपकी यहीं पे घट गई हैं। ठीक है, तो जो मेजर लॉस हुआ है वो यहीं पे हुआ है, बाकी आपकी आईबी के अंदर वैकेंसीज बढ़ी हैं। पहले आप लोगों की वैकेंसीज 37,000 से भी ज्यादा थी, अब ये घटके हो गई हैं 36,012। ठीक है, 36012 ये आप लोगों की फाइनल वैकेंसीज है। तो डेफिनेटली करीब 1400 बच्चों को कम इस बार जो है रोजगार मिलेगा, अगर ये न घटी हुई होती तो। बट एनीवे, कुछ एक चीजें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती, आपके जो हाथ में है वो ये है कि मेहनत करना, अपने आप को ग्रो करना, और कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत किए जाना। ठीक है, तो यही कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा नोटिस डाला है एसएससी ने, दैट इज वेरी यूजफुल, कि भाई कल जो एसएससी आप लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो ऑनलाइन विंडो ओपन करने वाली है भाई, उसका एक सैंपल आप लोगों को एसएससी ने पहले यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे एसएससी ने बता दिया इस तरीके से होता है, जैसे आप लोगों ने अगर किसी बच्चे ने पहले सिलेक्शन ले रखा है या फिर पहले डीवी करवाया हुआ है ऑफलाइन तरीके से, तो जो ऑफलाइन का डीवी होता था, बच्चे अच्छे खासे वाकिफ इन चीजों से, कि इस तरीके से आपको हर एक पोस्ट का एक कोड दिया होता है, और वो कोड आप लोगों को यहाँ पे अपने ऑर्डर में यहाँ पे भरना होगा। आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं कि जैसे मान लो नंबर 1 पे आपको कौन सा भरना है, आप उसका कोड डाल दोगे, सेकंड प्रेफरेंस होगी आप उसका कोड डाल दोगे, थर्ड पे उसका कोड डाल दोगे, इस तरीके से। लेकिन ये होती थी ऑफलाइन वाली। ऑनलाइन के अंदर क्या होगा, आप लोगों को मतलब ऑफलाइन में तो आप इसको पेन से भरते थे, है ना, वहां पे आप पेन से भरते थे, इस बार आपको सिर्फ टाइप करके भरना है आपका जो भी कोड होगा उस तरीके से। और डिक्लेरेशन आप लोग देख लेना, एसएससी ये चीजें डिक्लेयर करवा रही है। बस कहने का ओवरऑल मोटा मोटा मतलब ये है कि भाई आप ही जिम्मेदार होगे, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसके लिए, प्लस कोई चेंज नहीं करवाएगी एसएससी, आपने एक बार जो भर दिया वो फाइनल होगा, उसके बाद आप कभी कुछ चैलेंज नहीं कर सकते। भाई अगर आप एक बार डिपार्टमेंट में चले गए, उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी अगर मान लो फिजिकल रिक्वायरमेंट थी या फिर मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट थी, अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाए फिजिकल वाली चीज या क्लर्क ब्लाइंडनेस की कोई भी चीज, तो आप अगर आपको डिपार्टमेंट निकाल देता है तो फिर आप किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे कुछ कोई दूसरी पोस्ट दे दी जाए। तो इसीलिए बस थोड़ा सोच समझ के आप लोगों को यहाँ पे इस पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म को भरना जरूरी है। ये ना हो कि आपको पता है कि भाई कलर ब्लाइंड जो है बच्चा, अगर किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता और वो बच्चा कलर ब्लाइंड है और उसने उस डिपार्टमेंट को भर दिया, और अगर वो उसको मिल गया तो अब वो डिपार्टमेंट तो उसको निकाल देगा, लेकिन उसके बाद वो किसी और डिपार्टमेंट में भी नहीं जा सकता सीजीएल 2022 के थ्रू अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये बस इस तरीके से जो है यहाँ पे लिखा है, एक जस्ट एक सैंपल फॉर्म है कि आपको ऑफलाइन दिख रहा होगा, मतलब ऑफलाइन के जमाने में इस तरीके से होता था, लेकिन अब जो डीवी है आप लोगों का, मतलब डीवी तो क्या, बेसिकली पोस्ट प्रेफरेंस ही है कि आपका इस बार ऑनलाइन हो रहा है। तो ये कुछ एक दो एक अपडेट आई थी एसएससी की तरफ से। बाकी भाई बहुत ही सोच समझ के भर लेना अपने अपने प्रेफरेंसेज, क्योंकि हर, देखो हर इंसान का मतलब प्रेफरेंस अलग होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, किसी को अंगूर खाने पसंद है, किसी को आम खाना पसंद है, किसी को पसंद है कि मैं अंगूर खाऊं यहीं घर बैठ के खाऊं, किसी को पसंद है कि भाई मुझे अंगूर मिले तो मैं बाहर जाने को भी तैयार हूँ, है ना। मतलब दैट डिपेंड्स कि किसी बच्चे को अपना घर चाहिए होता है या घर के आसपास नौकरी चाहिए होती है, किसी को नौकरी चाहिए होती है चाहे वो कहीं भी मिल जाए। तो हर तरीके के लोग हैं, तो इसीलिए एक इंसान मतलब सबको, सबके लिए एक ही चीज अप्लाई नहीं कर सकता कि भाई मैं ये कह दूं ये वाली पोस्ट अच्छी है और यही खराब है। नहीं, किसी को कोई शहर अच्छा लग सकता है, किसी को कोई पोस्ट अच्छी लग सकती है। तो दुनिया भर की पोस्ट है और अपने देश में दुनिया भर के शहर है, तो उन सबके दुनिया भर के परम्यूटेशन कम्बिनेशन बैठेंगे तो बहुत सारे इनके जो हैं बेस्ट निकल के आ सकते हैं, जो कि हर एक इंसान का अपना अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अपने विवेक से काम लो, जैसा आपको ठीक लगे, आपका मन खुद उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ मैंने जो किया मेरी तरफ से वो बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस थी, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बस मेन पर्पज ये है इसी चीज का। बाकी भाई यही कहूंगा, सीजीएल 2023 की तैयारी में लग जाओ, अगर 22 का आपका खराब हो रखा है तो, अगर चलो जैसा भी हो रखा हो, चाहे आपका 22 का बढ़िया भी हो रखा हो, तब भी आप 23 की तो तैयारी करोगे, यानी अगर आप नहीं भी करोगे ना, तो आप मान के चलो जिन बच्चों का सीजीएल 2022 में बहुत बढ़िया रैंक आएगी, ये जो 300 से ऊपर वाला लॉट आप देख रहे हो ना भाई, जिन जिन बच्चों के अभी 390 में से 300 से ज्यादा नंबर आए हैं, ये सारे के सारे बच्चे, लगभग ये सारे के सारे बच्चे जब आप लोगों के हाथ सीजीएल 2023 का प्री और मेंस दोनों देंगे,
तो सोचो आप लोगों को किस लेवल का कंपटीशन मिलेगा। तो उस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा उठा लो। प्लस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, मतलब यही एक बेसिक बेसिक सी चीजें होती है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे पहले उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आपको एटलीस्ट वो सारे के सारे आने चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर रहे हो तो आप मान के चलो आपने जो बेयर मिनिमम चाहिए था वो नहीं किया। जैसे मान लो कि आपको आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपका परम धर्म क्या बनता है कि भाई अब तक टीसीएस ने सीजीएल के जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए हैं इन सभी के सभी पेपर्स में से निकलना मतलब अपना फर्ज बनता है, ठीक है। इनके कंपाइलेशन की आपको बुक्स मिल जाएंगी काफी सारी, पर जैसे हमें पता है किरण पब्लिकेशंस की बुक्स काफी पुरानी है और ये मतलब काफी रिनोट पब्लिकेशन है। तो जैसे आप लोगों को सीजीएल के सारे अब तक जितने भी टीसीएस ने पेपर कंडक्ट कराए हैं सारे के सारे मैथ्स के पेपर अलग से, रीजनिंग के पेपर अलग से, जीके के अलग से, इंग्लिश के अलग से, ऐसे अलग अलग इनके चार बुक्स मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करोगे भाई सीएचएसएल के आज तक टीसीएस ने जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए हैं उसमें मैथ्स के सारे पेपर एक साथ हो गए आपके, रीजनिंग के सारे एक साथ हो गए, इंग्लिश के एक साथ हो गए, जीके के आपके एक साथ हो गए, ऐसी चार किताबें आपकी सीएचएसएल की आ जाएंगी जिसमें कि टीसीएस के सारे पेपर आपके कवर हो रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करोगे एमटीएस का एग्जाम आप देने वाले हो तो टीसीएस ने आज तक जितने भी एमटीएस के पेपर कंडक्ट करवाए हैं मैथ्स की एक अलग से आपको बुक मिल जाएगी यहाँ पे, रीजनिंग की अलग से बुक मिल जाएगी, जीके की अलग से और इंग्लिश की अलग से। तो बेसिकली चार सब्जेक्ट हैं तो चार किताबें आपके पास वो होनी डेफिनेटली जरूरी है जो कि पास्ट पेपर्स में आज तक पूछी गई है। और ये तो बेयर मिनिमम है, अगर आप इतना नहीं कर रहे हो तो फिर आप मतलब धोखा कर रहे हो अपने साथ। मतलब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का दौर है, यहाँ पे एक दूसरे को लोग कुचल के एक किस्म से आगे बढ़ रहे हैं। आप इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से कि भाई जिसका सिलेक्शन हो गया आप मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते किसी से कि यार आप दोबारा एग्जाम मत देना। हर इंसान ट्राई करता है कि भाई मुझे अगर ये पोस्ट मिली है तो मैं उससे थोड़ी बड़ी पोस्ट के लिए दोबारा से एग्जाम दे दूं, या मुझे इस लोकेशन पे मिली है तो इससे बेटर लोकेशन के लिए दोबारा से एग्जाम दे दूं। तो लोग एग्जाम देते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते, गिड़गिड़ा नहीं सकते उनके आगे कि यार आप मतलब ऐसे भीख में थोड़ी यार मतलब कोई अपना इस तरीके से आप सीट ले लोगे या फिर मांग लोगे किसी से। लोग आजकल यार बस में ट्रेन में किसी को अपनी सीट नहीं देते है ना, तो वैसे कंपटीशन का दौर है, नौकरी की सीट कोई नहीं छोड़ रहा किसी के लिए, भयंकर तरीके से मतलब लोग लगे पड़े हैं। बस आपको ग्रो करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर तकलीफ आपकी लाइफ में है, आपको बड़ा बनना है या आपको सरकारी नौकरी चाहिए, वही बात है सरकारी नौकरी का सपना अगर आपने देखा है तो इस सपने को पूरा करने के लिए जिन परिस्थितियों से, जिन कठिनाइयों से और जिस मेहनत से गुजरना पड़ेगा वो भी आप ही को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट जिस इंसान को चाहिए मेहनत भी उसी इंसान को करनी पड़ती है ना। तो बस अब सबका अपना अपना एक होता है कि यार क्या क्या चीज है जो आपको पुश कर रही है इसकी तरफ। कई लोगों की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो भाई एग्जाम क्लियर करना ही करना है। कुछ लोगों की ऐसी होती हैं कि नहीं यार हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अब कौन सा बंदा ज्यादा एफर्ट लगाएगा? डेफिनेटली वो इंसान ज्यादा एफर्ट लगाएगा जिसे पता है कि भाई मुझे तो यही एग्जाम निकालना है, इसके अलावा कुछ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया था उस टाइम पे मतलब मैंने इस तरीके से सोच रखा था कि भाई यही मेरे पास ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इनफैक्ट जो बच्चे मुझे जानते हैं या फिर जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी दे नो कि मैं पहले मर्चेंट नेवी के अंदर था। मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था जिसकी सैलरी बहुत बढ़िया थी, बट स्टिल उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ रहा हूँ अगर मैं माइंड में यही रखता कि नहीं मेरे पास तो एक दूसरी जॉब है मैं तो वही कर लूंगा तो शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाता, फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद मैं नहीं भी क्लियर कर पाता या मतलब मैं कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ देता। लेकिन मैंने इस तरीके से सोच रखा था उस टाइम पे, अपने माइंड को 100% कन्विंस कर लिया था कि भाई वहां तो मुझे वापस नहीं जाना। जैसे मर्चेंट नेवी के अंदर आपको पता है शिप्स वगैरह पे मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग वगैरह होती थी, तो मैं एज ए सेकंड ऑफिसर उस टाइम पे सेल कर रहा था। मैंने सोच लिया था वापस पानी वाली जिंदगी नहीं चाहिए, अपने को करना है तो यही करना है। और प्लस इसको मैं एज ए मोटिवेशन लेता था कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां मैं नहीं जाना चाहता। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको पुश करती हैं आपको आप अपना 100% लगा सको। डेफिनेटली हर इंसान के लाइफ में ऐसी कोई ना कोई चीज होती है, किसी के ऊपर अपनी सोसाइटी में देख के आप किसी से इंस्पायर हो सकते हो वो चीज आपको पुश कर रही हो, या किसी की कंडीशंस खराब हो सकती हैं वो कंडीशंस आपको बहुत ज्यादा पुश कर रही हो, किसी के माँ बाप के सपने होते हैं अपने बच्चे को किसी अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी नौकरी करते हुए देखना तो उन सपनों को पूरा करना ये आप लोगों के लिए एक पुश हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप में कितनी काबिलियत है और कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको पुश कर रही हो चीज की तरफ जाने के लिए, ठीक है। बाकी मेरे भाई ऐसा एग्जाम तो है नहीं जो कि निकाला नहीं जा सकता, आप सबने इसका सिलेबस देख रखा है, सबको पता है पेपर आसान आता है, ठीक है। बट क्योंकि आसान आता है और ये सभी के लिए आसान है इसीलिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
मैथ्स आप देख लो इसकी, इंग्लिश आप देख लो, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड सी है, बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेड सी है। आपको पता होता है मैथ्स में इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट, इन पे ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, सारा का सारा खेल यहाँ पे स्पीड का है, ठीक है। तो उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आप काम करो, कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। आज नहीं करोगे, 3-4 साल के बाद आप शायद पछता लो कि चीजें देखें क्या चीजें तो आसान थी, मैं ही नहीं कर पाया, अब एज नहीं बची या टाइम नहीं है या फिर मौका ही नहीं है अभी, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कितने बच्चे थे जो एज रेकनिंग के लिए कोशिश कर रहे थे कि यार हमें एक मौका और मिल जाए, एसएससी से हमें जो लास्ट अटेम्प्ट है ये देने का मौका मिले सीजीएल 2023 में। लेकिन उन बच्चों की जगह अपने आप को एक बार रख के देखो, आप लोगों के पास कम से कम एक अटेम्प्ट तो है ना, तो फायदा उठाओ इस चीज का। बाकी देखो यार, करने वाले हर साल एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, बाकी भीड़ तो आ रही है, जा रही है, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं, प्री में ही हो रहे हैं 90% बच्चे फेल, फिर मेंस में फिर से 90% बच्चे और फेल हो रहे हैं। तो मतलब देख लो यार, कुछ तो होगा ना उन 10% में जो कि प्री क्लियर करते हैं और फिर जो मेंस में बैठ रहे हैं उनमें से फिर 10% उस मेंस को भी क्लियर कर रहे हैं, तो कुछ तो अलग चीज होगी उनमें। उनमें से सारे के सारे तो धुरंधर या होशियार तो नहीं थे, कुछ तो नॉर्मल भी रहे होंगे, कुछ तो हिंदी मीडियम से पढ़े भी रहे होंगे, कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनका बैकग्राउंड बहुत ही खराब था या जिन्हें जिनकी स्कूलिंग बहुत ही खराब हुई है, उन्होंने बाद में बहुत मेहनत की होगी। तो जब इतने सारे बच्चे वो चीज कर सकते हैं तो आप में किस बात की कमी है, आप भी डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।